एक मिनट, ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूं विद रेफरेंस फैक्ट एंड फिगर। एक वीडियो भी दिखाऊंगा इसके अंदर, आपको बताऊंगा कैसे आपकी कंपनी के अरबाब और कैसे बैंक माफिया, मैं बैंकर की बात कर रहा हूं जो बैंक के अंदर सेल पर्सन काम करते हैं, कैसे आपको बताए बगैर, माइंड में चल रहा होगा ना, बताए बगैर आपके नाम के ऊपर बहुत हैवी अमाउंट इशू की जा सकती है और आपके ऊपर ट्रैवल बैन से लेकर सिविल केस तक ओपन किया जा सकता है। ये भाई की एक स्टोरी मैंने शेयर करनी है, ये भाई खुद बताएंगे, लेकिन इससे जो चीज सीखनी है आपने वो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्लीज, इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं हर वीडियो में नहीं कहता, बट ये आपने समझनी है और काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक ठोक के। ये वीडियो देखिए, समझिए, और ये भाई के साथ ऑलरेडी हो चुका है। प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है अली भाई, कुछ मंथ पहले ना मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि मैं आपको एनबीडी का कार्ड बनवा के देता हूँ, तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट दें। तो मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट दिए, तो और साथ में उसने मुझे कहा कि आप अपनी आईडी और सिम दे दें, आपका काम जो है ना वो जैसे ही होगा ना, ताकि वेरीफिकेशन करती है, आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको दे दी, तो तकरीबन 1.5-2 माह गुजर गए, लेकिन मुझे आईडी नहीं वापस मिल रही थी। मैंने उनको बोला यार मेरी आईडी वापस करते हैं, कहते हैं आईडी अभी काम हो रहा है, आपको आईडी मिल जाएगी। तो फिर मैंने उनको पुलिस कंप्लेन करने का बोला कि यार मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, मेरी आप आईडी वापस कर दें। तो तकरीबन 2-2.5 माह बाद मुझे उन्होंने आईडी वापस कर दी। जब मुझे आईडी वापस होगी तो फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया कि मुझे जो है ना काम मेरा नहीं हुआ और मुझ पे कोई फाइन नहीं वगैरह या कार्ड नहीं है। तो जैसे ही फिर मुझे 10 दिसंबर को एक ईमेल शो होती है जो एनबीडी की ईमेल है, उसमें मुझे शो हो रहा है कि मेरा 28,000 जो है ना, बल्कि 18,000 दिरहम का कार्ड इशू हुआ और 3,000 उन्होंने ओवर करके ना 21,000 बना के मुझ पर लगा दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने देखा कि जो 23 नवंबर को कार्ड इशू हुआ है और 10 दिसंबर को मुझे ईमेल आ गई कि आपका कार्ड यूज़ हो गया, जिसके लिए मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ। मेरा जो वीज़ा है वो बाइक राइडर का है, और मैं बैंक गया हूँ तो मुझे कहते हैं कि आपने जो है ना जो भी है, लेकिन आपका कार्ड इशू हो गया, अब आपको पे करने ही पड़ेंगे। और ये बैंक वाले ही साथ मिले हुए हैं, जब मेरा अकाउंट ओपन हुआ था बैंक वाले ही बाहर आके उन्होंने अकाउंट ओपन किया था, और बैंक वाले ही साथ मिले हुए हैं। और मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप बैंक जाएँ, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, कहते बैंक जाएँ, और बैंक वाले कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप पुलिस स्टेशन जाएँ। तो मैंने फिर SPS पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने बोला कि जो है ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इस तरह के केस नहीं पकड़ते, आप बैंक जाएँ। फिर मैंने सेंट्रल बैंक को भी मेल किए, लेकिन मुझे कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। तो प्लीज़ बता दें क्या मुझ पर बैन लग जाएगा, मैं क्या करूँ अब, मैं तो मुसीबत में हूँ, तो अभी 7-8 लाख रुपया लगा के यहाँ पर आया हूँ, आप मुझे प्लीज़ बेहतर रहनुमाई करें और मुझे इसका हल बता दें।